हेलो एवरीवन, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। सी फाउंडेशन एडिशनल क्वेश्चन बैंक 1 क्वेश्चन नंबर 21 और उससे आगे के क्वेश्चन पर इस वीडियो में बात करेंगे। और पिछले वीडियो में हम 20 तक के क्वेश्चन को सोल्व कर चुके हैं और आपको ये वीडियो में मैं जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ बहुत ही शॉर्ट मेथड से बताने वाला हूँ, आपको निश्चित रूप से क्वेश्चन सुन जाएगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और लगातार सीखते रहें। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको दे रखा है कि एक्स गिवन है 4^1/3 प्लस 4^-1/3। प्रूव दैट 4x^-12x इज गिवन बाय, देखो x की वैल्यू आपको गिवन है 4^1/3 प्लस 4^-1/3। अब आपको वैल्यू फाइंड करनी है 4x^-12x। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर आप बिना पेंसिल के फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देखो यहां पर वैल्यू क्या दे रखी है, 4। कितने दे रखी है, 4। तो इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 4^2+1, देन 16+1, आपका जो राइट आंसर आ जाएगा 70। जो भी वैल्यू आपको दे रखी है 4, मान लो इधर आपको दे रखा था 5, तो ये आंसर आ जाता है 5^2+1। ये डायरेक्ट इसका क्या है, शॉर्टकट मेथड है। और इस क्वेश्चन का आंसर निकालने में आपको बहुत ही कम समय लगा है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आएगा 17 और ऑप्शन डी इसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 आपको गिवन है इफ एक्स इज इक्वल टू 5^1/3 प्लस 5^-1/3, देन प्रूव दैट 5x^-15x इज गिवन बाय। अब देखो यहां पर वैल्यू आपको क्या देखिए 5, और आपको 5x^-15x की जो वैल्यू आएगी 5^2+1। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में आपको पेंसिल या पेन की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो 25+1 आंसर कितना आ जाएगा, 26। 26 आपके क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आ जाएगा और 26 आपका ये जो ऑप्शन है बी, 21 का ऑप्शन था डी और इसका ऑप्शन है बी, तो ये दोनों ही इसके क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएंगे। मान लो यहाँ पर आपको 6 दे रखा होता तो इसका राइट आंसर आ जाता 6^2+1, 36+1, यदि यहाँ पर 6 दे रखा होता तो। तो इस तरह से आप बिल्कुल शॉर्ट वे में आंसर फाइंड कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 21 पे थोड़ी सी और बात करते हैं कि इसमें आपसे और क्या पूछ सकता है। देखिए ये तो आपको समझ में आ गया। अब देखो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। एक्स की वैल्यू आपको देखिए 4^1/3 प्लस 4^-1/3। आपसे इसमें दो वैल्यू पूछ सकता है, ये तो आपसे पूछ सकता है x^3x, इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू पूछ सकता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 4^2+1/4। Then, इसका जो राइट आंसर आता है आपके पास आता था 4^2+1/17/4। या तो ये वैल्यू पूछेगा, बहुत से क्वेश्चन में ऐसे वैल्यू पूछता है। और कई बार क्या होता है, ये जो नीचे 4 है ना, इसका मल्टीप्लाई करके पूछ सकता है, जैसे 4x^3x, तो इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 17, तो 4 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x^-12x, और यही वैल्यू हमसे जो है पूछी गई थी। तो इसमें मैंने आपको एक और स्टेप बता दी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 22 में आपको दे रखा है एक्स इज इक्वल टू 5^1/3 प्लस 5^-1/3, देन 5x^-15x आपसे पूछा गया है। इसका आंसर आपको मैंने बता दिया 5^2+1, लेकिन इसमें आपसे खाली x^-3x की वैल्यू भी पूछ सकता था। तो इसका राइट आंसर 5^2+1/5, 5 का इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा, सॉरी 25+1 26/5 इसका राइट आंसर आता है। इफ आपसे पूछता है x^-3x और 5 का मल्टीप्लाई करके आपसे पूछता है, तो आप डायरेक्ट इसका आंसर 5^2+1 26। और मैं समझता हूं कि आपके ये कंसेप्ट समझ में भी आ गया होगा। और इसमें कौन से फॉर्मूले का यूज है ये मैं आपको और बता देता हूं। इसमें जो फॉर्मूला का यूज है वो देखो, x आपको गिवन है 4^1/3 प्लस 4^-1/3, बोथ साइड क्यूब ले लेते हैं, देन 4^1/3 प्लस 4^-1/3 का होल क्यूब। आइडेंटिटी लगती है a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पर हम यही फॉर्मूला लगाते हैं, a क्यूब
प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, इसकी वैल्यू x है, देन ये जगह x क्यूब प्लस इक्वल हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल, 4 प्लस 4 टू द पावर माइनस 1, ये 3 से 3 कैंसिल प्लस 3, ये दोनों पावर जो है प्लस होके 4 टू द पावर 0 हो जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और इसको मैं अगेन क्या लिख सकता हूँ, x लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर जो x क्यूब की वैल्यू आई 4 प्लस, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 प्लस 4 टू द पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, देन ये 3x आ जाएगा और 3x इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा और यहाँ पर 4 आ जाएगा एलसीएम, तो 4 स्क्वायर प्लस 1, और यही फॉर्मूला मैंने आपको बताया 4 स्क्वायर प्लस 1, इसका क्या होगा फॉर्मूला होगा, 4 को इधर मल्टीप्लाई करके आपसे आंसर पूछ रहा है और 4 को मल्टीप्लाई करके नहीं पूछेगा, तो भी मैंने आपको ये क्वेश्चन बता दिया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में आपका पूरी तरह से मैंने कंसेप्ट क्लियर कर दिया है 21 और 22। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 को आप ध्यान से देखोगे और इस वीडियो में इस कंसेप्ट को समझोगे तो आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो। देखो ये वैल्यू दे रखी आपको, इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 3abc, इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 3abc, ये मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया है और कैसे निकाला है ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 में हमारा जो ऑप्शन आएगा इसमें x और आएगा, क्योंकि आपके पास x दे रखा है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा 3abcx, क्योंकि यहां पर x दे रखा है, ठीक है। और ऑप्शन हम देखते हैं, इसमें जो आपका ऑप्शन है वो a ऑप्शन है, वो कैसे आया आओ समझते हैं, ठीक है। देखो एक थ्योरम होती है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो हो, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 3abc होती है, ये थ्योरम होती है, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। देखो यहाँ पर ए बी सी का मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड वैल्यू, आपको फर्स्ट सेकंड और थर्ड वैल्यू तो दे ही रखी है, इसका मतलब इनका मैं क्यूब करता हूँ, ए एक्स फर्स्ट का क्यूब और इस कंडीशन को फॉलो करता हूँ प्लस सेकंड का क्यूब, सेकेंड का बी एक्स टू द पावर 1/3 का क्यूब प्लस थर्ड का क्यूब सी का क्यूब, और ये हो जाएगा 3a फर्स्ट वैल्यू a एक्स टू द पावर 2/3 इंटू बी बी एक्स टू द पावर 1/3 इंटू सी। आप देख रहे हो अच्छे से, मतलब मैंने इसको a मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, देन ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब यहाँ पर मैंने देखा कि ए क्यूब है, इसका मतलब यहाँ पर इसका क्यूब कर रखा है, तो ये ए क्यूब और एक्स की पावर 2/3 की पावर होल क्यूब कर रहा हूँ, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर बचेगा बी क्यूब, ये 3 से 3 कैंसिल, ओनली एक्स बचेगा और ये हो जाएगा सी क्यूब, और ये वैल्यू तो ये पूछ रहा है ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3abc। अब ए बी सी तो आ जाएगा स्टार्टिंग में ए बी और सी, और एक्स की पावर 2/3 बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, देन 3abc एक्स की पावर 3 एलसीएम 2+1 3abc एक्स की पावर 3/3 ये कैंसिल हो जाएगा, देन इसका आंसर 3abcx, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो इस तरह से मान लो तीन वैल्यू दे रखी है, उनके बीच में प्लस दे रखा है और उनका क्यूब से रिलेटेड कोई वैल्यू दे रखी है, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यदि जीरो हो तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3abc हो जाएगी। और इसका बेस बताया था जो थ्योरम मैन आइडेंटिटी क्या है, वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये होता है ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये मेन आइडेंटिटी है, इसको आइडेंटिटी कर लो या थ्योरम कर लो, ठीक है। अब इसमें ये है, ये मेन फॉर्मूला है, ए प्लस बी प्लस सी को जब मैं जीरो लेता हूँ तो आरएचएस की टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल होगा जीरो के, माइनस की वैल्यू इधर ये जीरो होने से पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इसकी डायरेक्ट वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3abc। तो इस तरह से हमारा ये जो है क्वेश्चन आ जाएगा और आप इजीली
इजीली इसको क्या कर सकोगे, सोल्व कर सकोगे। तो इस तरह से क्वेश्चन डायरेक्ट आपके पास आ जाएगा एबीसी। और हमने देखा क्वेश्चन नंबर 23 का जो ऑप्शन है ए, इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको डिटेल में, शॉर्ट वे में और डिटेल में अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपको गिवन वैल्यू है ए की पावर पी बराबर बी, बी की पावर क्यू बराबर सी, सी की पावर आर बराबर ए, और वैल्यू आपको पी क्यू आर की फाइंड करना है। तो सीधा सीधा मैं देखो इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, तो पी क्यू आर ए की पावर पी बी की, देखो मान लो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, ए की पावर पी बी की पावर क्यू सी की पावर आर बी सी ए, या इसको मैं ए बी सी लिख सकता हूँ। और जब मैं मानता हूँ कि इसको सेटिस्फाइड करेगा तो पी की वैल्यू वन हो जाएगी, क्यू की वैल्यू वन हो जाएगी, आर की वैल्यू वन हो जाएगी, और इस कंडीशन में पी क्यू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन हो जाएगी। तो इसका आंसर कितना आएगा, वन आएगा। ये तो शॉर्ट मेथड था इसका, बिल्कुल इजी वे में शॉर्ट मेथड, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब इसको मान लो आप चाहते हो कि इसको मैथमेटिकल तरीके से कैसे करें, तो देखो बहुत आसान है, ये मेथड भी आप सीख लीजिए, ए की पावर पी बराबर बी, बी की पावर क्यू बराबर सी, और सी की पावर आर बराबर ए। आप कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए, जैसे मान लो आपने ये ले ली ए की पावर पी बराबर बी ले ली। अब ए की पावर, ए की वैल्यू क्या रखिए, आप ए की वैल्यू सिंगल ए की वैल्यू सी की पावर आर इसमें रख देते हैं, सी की पावर आर मैंने रख दिया, इसकी पावर पी है बराबर क्या है बी, तो सी की पावर आर पी बराबर बी हो जाएगा। अब देखो सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है बी की पावर क्यू, तो यहाँ पर मैं सी की वैल्यू बी की पावर क्यू रख देता हूँ, तो बी की पावर क्यू मैंने रख दिया, और इसकी वैल्यू पावर दे रखी है आपको आर पी बराबर बी, तो यहाँ पर मैंने देखा कि b की पावर p q r बराबर b, और जब मैं इनका कंपैरिजन करूँगा तो यहाँ पर b की पावर 1 है, तो इसके अकॉर्डिंग p q r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपके पास 1 हो जाएगी, और p q r की वैल्यू आपके पास 1 हो जाएगी। तो ऑप्शन b जो है आपके इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन b। तो दोनों ही मेथड से मैंने आपको ये क्वेश्चन बता दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 25 को अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, ए की पावर पी, बी की पावर क्यू और सी की पावर आर, आपको दे रखिए बी स्क्वायर बराबर ए सी, ये कंडीशन दे रखी है और ये वैल्यू इक्वल दे रखी है। अब क्या करेंगे, देखो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर तो बी है ही ऑलरेडी, बी इसको रहने देते हैं। अब हमारे पास क्या करते हैं, यहाँ पर ए और सी दो वैल्यू आ गई, तो ए की वैल्यू बी के अकॉर्डिंग निकालते हैं और सी की वैल्यू भी बी के अकॉर्डिंग। देखो ए की पावर पी आपको दे रखा है बी की पावर क्यू बराबर दे रखा है सी की पावर आर, तो ए की पावर पी बराबर ले लेते हैं बी की पावर क्यू, और बी की पावर क्यू इक्वल ले लेते हैं सी की पावर आर। तो इससे मैं ए की वैल्यू निकालता हूं, तो ए की वैल्यू आ जाएगी बी की पावर क्यू अपॉन पी, ये पी जो है क्यू के अपॉन में आ जाएगा। इसी तरह से सी की वैल्यू निकालता हूं, तो ये आ जाएगा बी की पावर क्यू अपॉन आर बराबर सी। तो हमने ए और सी की वैल्यू निकाल ली, ए की वैल्यू भी हमने निकाल ली, देखो बी स्क्वायर, ए की वैल्यू हमने निकाल ली बी की पावर पी अपॉन क्यू, और सी की वैल्यू निकाल ली बी की पावर क्यू अपॉन आर। तो इससे हमारे पास टू इक्वल हो जाएगा बी की पावर टू, बी की पावर पी अपॉन क्यू प्लस क्यू अपॉन आर, ये हमारे पास वैल्यू आई किसकी, ये हमारे पास वैल्यू किसके आई। अब यहाँ पे देखो आप ए की वैल्यू कितनी है, बी के पावर क्यू अपॉन पी है, तो यहाँ पर हमने पी अपॉन क्यू लिख दिया, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, इसकी सही वैल्यू रख देता हूँ, ये है क्यू अपॉन पी, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास क्यू अपॉन पी। अब देखो बिल्कुल इजी आ गया, अब बेस से बेस हटा देते हैं, तो टू की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, क्यू अपॉन पी प्लस क्यू अपॉन आर, टू बराबर, इसमें से क्यू कॉमन ले लेता हूँ, तो वन अपॉन पी प्लस वन अपॉन आर, टू बराबर क्यू, यहाँ पर पी और आर ले लेते हैं एलसीएम, देन ये आर प्लस पी। इसके बाद देखिए ये वैल्यू हमारे पास आ गई क्यू इंटू आर प्लस पी अपॉन पी आर। अब मुझे वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, क्यू पी प्लस आर अपॉन पी आर, तो मैंने देखा ये दोनों वैल्यू सेम ही तो है ना, क्यू R प्लस पी या P प्लस आर अपॉन पी आर, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, दो आ गई। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा आपके पास कितना आ जाएगा, दो आ जाएगा। इजीली आप इक्वेशन से A की वैल्यू
बी के रूप में और सी की वैल्यू बी के रूप में लिखकर ए और सी की वैल्यू रख के पावर को प्लस कर देंगे, बेस दोनों सेम होने के कारण ये कैंसिल हो जाएगा, तो रिलेशन किस में आ जाएगा, पावर में, पावर से पावर में रिलेशन आ जाएगा और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर आएगा 2 आएगा और ऑप्शन सी इसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 5 क्वेश्चन समझ में आए होंगे और अभी नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आपको आगे के क्वेश्चन में अच्छे से समझाऊंगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, आप सभी का सहयोग बहुत अच्छा मिल रहा है और ऐसे ही मैं आपकी कोशिश करके मदद करता रहूँगा। सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट, ऐसे ही लगातार मेहनत करते हैं, आगे बढ़ते रहें और वीडियो को लगातार देखते रहें। थैंक यू।